ऐसे कितने मुकदमे हैं ये तो हमारी जानकारी में जो मिला है हमें कल से जो मिली है सूचना, तो सुन तो लो। चलो शॉर्ट में बता देते हैं। सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गिरजा शंकर लोधी, इन पर भी ऐसे ही मुकदमे लगाकर इनको भेज दिया। और सपा नेता राम फेर यादव पुत्र पोला निवासी ग्राम खपुरा पोस्ट, इनको भी भेज दिया। सपा नेता ग्राम प्रधान धर्मेंद्र कुमार लोधी, इनको भी भेज दिया इसी तरीके से। इसमें पार्टी क्या करेगी आपकी पार्टी? अब करेंगे ना, सुन तो लो ना, इतनी जल्दी क्या? अच्छी देर से बैठे हो तो थोड़ा और बैठ लो। इसी तरह फिर कोई ट्रांसफर हो जाएगा? आप कुल मिला के चीटिंग आपके साथ जिला प्रशासन किया है सरकार ने। सपा नेता ग्राम प्रधान श्रीमती बिटाना पत्नी बंसराज यादव निवासी ग्राम पोरई, तो इनको भी भेज दिया इसी तरीके से। ये सूची है देखिए, तो इनको सबको भेज दिया है। जे देखिए प्रजातंत्र में ये सीधा सीधा, देखिए हिंदुस्तान में सबसे मजबूत प्रजातंत्र हिंदुस्तान का था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सीधे सीधे प्रजातंत्र को ख़त्म और ख़त्म करना चाहते हैं तानाशाही के बल पर। अब तानाशाही है एक तरह से यहाँ, और तानाशाही के साथ साथ इस तरीके से प्रजातंत्र को ख़त्म, संविधान को मानेंगे नहीं। खुलेआम इस समय पूरे प्रदेश में थाने हों, तहसीलें हों, सरकारी कार्यालय हों, ये सब लूट है। जबकि ये थाने, तहसील, ये सरकारी कार्यालय जनता की सेवा के लिए होना चाहिए, जनता को न्याय मिलना चाहिए। अब न्याय नहीं मिल, अगर आपका नाम बदल दिया जाए तो आपको जनता तो यहाँ पत्रकार ही कहेगी, आपका नाम ही लेगी। अब यहाँ का कहीं का नाम अगर बदल दो, अगर नाम बदल दो, और पहले भी नाम बदल लेते कुछ सरकारों ने, अच्छा पहले अरे आप खुदा तो जवाब तो हो जान दो ना। अब तो या तो छेड़ो नहीं, हमारे साथी ये छेड़ देते हैं ना, पूरा जवाब तो सुन लो ना। आज बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, अच्छा पहले सुन लो इनका जवाब आ जाए ताकि बात। तो देखिए पहले भी नाम बदले गए, पहले भी नाम बदले गए थे जब नाम बदले थे, हैं आपकी सरकार नहीं, पहले दूसरी सरकार ने बदले थे तब, फिर हमारी सरकार ने वही नाम रख दिए थे, फिर तो वो फिर होगा। आपकी आएगी तो रख देंगे पुराने नाम, पुराने नाम फिर बदल जाएंगे। जब परंपरा डालोगे तो फिर परंपरा तो फिर पड़ेगी। एक बहुत बड़ी वहाँ बड़े प्रधानमंत्री आए और मुख्यमंत्री और बाहर के उद्योगपति, वो कह रहे हैं कि जो 6 सालों में इतना सब कुछ हुआ, इसके पहले जो सरकार आपकी थी बड़ी अराजकता थी और ठीक भय माहौल था, तो उस पर क्या? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग हैं, और देखिए प्रजातंत्र में 4 खमीज माने जाते हैं लोकतंत्र में, तो आपका भी 4th स्तंभ है। तो आप भी जिस तरीके से हम लोग विपक्ष में हैं, तो आपकी भी भूमिका विपक्ष की है, तो आप लोग भी सही बात को, ये झूठे लोग हैं ना, 6 साल में इन्होंने क्या देश और प्रदेश के लिए किया है वो हम जानना चाह रहे हैं। ये समिट इस तरीके के पहले भी कार्यक्रम चले हैं कि हम पूछना चाह रहे हैं कितनी फैक्ट्रियां लग गई हैं, कितना ये इन्वेस्ट ले आए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।